कैलाश मेला सावन महीने में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे तो साल के हर सोमवार को आगरा के कैलाश मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा रहता है, लेकिन सावन के महीने में कैलाश मंदिर में मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। हर तरफ भक्ति का बयार बहती है और भगवान शिव के भक्त दूरदराज से क्षेत्रों में दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि आगरा के कैलाश मंदिर पर मांगी गई हर मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। कैलाश मेले पर आगरा का माहौल बहुत आनंददायक रहता है। आगरा के लोग कैलाश मेले को एक पर्व की तरह मनाते हैं। मेले वाले आए दिन आगरा के स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है और इस दिन आगरा के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में छुट्टी होती है। मेले के अवसर पर जो भी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, इस दिन कैलाश मंदिर के कई कई किलोमीटर तक दूर तक खेल खिलौने और खाने पीने सहित अनेक दुकानें लगाई जाती हैं। इस दिन यमुना किनारे कैलाश मंदिर पर हजारों कांवड़िए दूर दूर से कांवड़ लाकर भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत होकर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं और कांवड़ चढ़ाते हैं। मेरा नाम महेंद्र गौरवगिरी कैलाश मंदिर से। सावन के तीसरे सोमवार को यहाँ कैलाश का मेला लगता है, उसमें आगरा की लोकल हॉलीडे रहता है और यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ एक ही जलेबी में दो शिवलिंग है। स्वयं भगवान परशुराम जी उनके पिता यमुना ऋषि के हाथों से स्थापित हैं। आज से हजारों वर्ष पहले कैलाश पर्वत पर जो शिवलिंग भगवान शंकर ने दी थी, जिनकी स्थापना भगवान परशुराम उनके पिताजी ने की थी। आगरा में सावन के चार सोमवार होते हैं, उसमें पहला राजेश्वर का, दूसरा बल्केश्वर, तीसरा कैलाश का मेला लगता है। सारे मेलों में सबसे ज़्यादा भीड़ और उत्साह कैलाश मंदिर का रहता है। लोगों में आज भी मुझे उत्साह दिखाई दे रहा है, यंग पीढ़ी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में तत्पर है। मेरा नाम अजय गोस्वामी है। ये भोले बाबा की जो पिंडियाँ हैं चांदी के चेहरे में, ये उनको लगाया जाता है सावन के महीने में। नहीं नहीं, आप इस समय पिंडियाँ लगी हुई हैं, ये चांदी के चेहरे इधर रख दिए। आप बहुत मान्यता है इनकी, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यमुनी ऋषि और उनके पिता दोनों उन्हीं को लेकर आए थे कैलाश पर्वत से। आइए हम बताते हैं इस मंदिर के पीछे छुपी प्राचीन कथा कि यह कैलाश का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। कहा जाता है कि कैलाश मंदिर के शिवलिंग भगवान परशुराम और उनके पिता जम दग्नि के द्वारा स्थापित किए गए थे। महर्षि परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम रेणुका धाम भी यहां से महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को अपना अलग ही एक महत्व है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने गए थे। दोनों पिता पुत्र की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर भगवान परशुराम द्वारा उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उनके साथ अपने साथ चलने के लिए और हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों पिता पुत्रों को एक एक शिवलिंग भेंट स्वरूप कर दी। जब दोनों पिता पुत्र यहाँ यमुना किनारे अग्रवन में बने अपने आश्रम रेणुका के लिए चले, तो आश्रम से 6 किलोमीटर दूर पहले ही यात्री विश्राम को रुके। फिर सुबह होते ही दोनों पिता पुत्र हर रोज की तरह नित्य कर्म के लिए गए, जिसके बाद ज्योतिर्लिंग लिंगों को पूजा करने के लिए पहुँचे, तो वह जुड़वा ज्योतिर्लिंग लिंग वहीं स्थापित हो गई। इन शिवलिंगों को महर्षि परशुराम उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने काफ़ी बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे उस जगह से उठा नहीं सके और हार कर दोनों पिता पुत्र ने उसी जगह दोनों शिवलिंगों को पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। तब से इस धार्मिक स्थल का नाम कैलाश पड़ गया, जिसलिए सोमवार के तीसरे सोमवार को आज यहाँ पर भारी भक्ति गणों की भीड़ देखने को मिली और इस मेले का सभी ने आनंद लिया।
महादेव बाबा के दरबार में आके बहुत ही हमें अच्छा लगता है, ऐसे मनोकामना पूर्ति होती है महादेव बाबा के दरबार में। जय भोले। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।